सो हेलो गाइस, तो आज की इस वाले वीडियो में आज हम करने वाले हैं आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के यूज करके कुछ इस टाइप की कार्टून पीएनजी किस तरह बना सकते हो और इस टाइप की फोटो एडिटिंग काफी कम टाइम में कर पाओगे। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना और चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और भाई के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हाँ तो गाइस, आपको पहले अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद आपको अपने इस वाले बैकग्राउंड कर लेना है ओपन। मैं इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेता हूँ, यह रहा हमारा बैकग्राउंड, इसे कर लेता हूँ ओपन। ओपन हो जाने के बाद जाएंगे एड फोटो के अंदर, एड फोटो पर जाने के बाद आपको इस वाले पीएनजी को कर लेंगे एड, यह रहा हमारा पीएनजी, इसे कर लेते हैं एड। एड हो जाने के बाद आपको बैकग्राउंड के ऊपर कुछ इस टाइप से सेट कर लेना है गाइस। सेट हो जाने के बाद आपको डन पर कर देना है क्लिक, डन हो पर कर देना है क्लिक। फिर जाना एड फोटो के अंदर, एड फोटो पर जाने के बाद आपको इस वाले पेनजी को कर लेंगे एड, इस वाले कार्टून पेनजी को। इस टाइप की कार्टून पेनजी किस तरह बनाया जाता है बनाने के लिए आपको इस वाले ऐप की जरूरत होगी। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। फिर आपको गैलरी वाले ऑप्शन पर आ जाना है, आने के बाद आपको जिस फोटो का आपको कार्टून बनाना है उसी फोटो कर लेना है ओपन। फिर आपको ऊपर की ओर राइट पर कर देना है क्लिक, क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने देते हैं गाइस। लोडिंग लेने के बाद आपको कुछ इस टाइप की कार्टून पीएनजी बन जाएगा। फिर आपको ऊपर की ओर एरो पर कर देना है क्लिक, फिर आपको अप्लाई पर कर देना है क्लिक, फिर आपको सेव वाले ऑप्शन कर देते हैं क्लिक। फिर इस फोटो को ओपन कर लेते हैं पिक्सआर्ट ऐप के अंदर, यह हमारा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अभी इस फोटो को कर लेंगे कटआउट, कटआउट टूल पर जाकर इस बैकग्राउंड कर लेंगे कटआउट। फिर आपको जोन जोन एरिया आपको नहीं चाहिए ना उसे कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है, जैसे कि हमको टी शर्ट नहीं चाहिए उसे इसे कुछ इस टाइप से इरेज कर लेता हूँ। फिर आपको सेव पर कर देना है क्लिक, फिर आपको अपने फिर अपने मॉडल पे कुछ इस टाइप से सेट कर लेना है गाइस। अपने फेस को सेट कर लेने के बाद आपको रबड़ वाले ऑप्शन पर आ जाना है, इरेज वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको हार्डनेस को कर लेना है कम, ओपेसिटी को कम करके आपको साइज को अपने मुताबिक रख के आपको कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है गाइस, ताकि अपना बॉडी के सामने फेस मैच हो जाए। कुछ इस टाइप से आपको मैच कर लेना है गाइस। मैच हो जाने के बाद आपको डन पर फिर से कर देंगे क्लिक, क्लिक हो जाने के बाद आपको फेस को थोड़ा सा बड़ा करके फिर जाएंगे एड, फिर जाएंगे रबड़ वाला ऑप्शन पे। जाने के बाद आपको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, फिर रबड़ वाला ऑप्शन पर आके इसको हार्डनेस को थोड़ा बड़ा कर साइज अपन छोटा कर लेंगे। फिर आपको साइड साइड कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना गाइस, जो जो पार्टिकल बाहर आ रहा है कुछ इस टाइप से बाहर आ रहा है पार्टिकल, उसे कुछ इस टाइप से इरेज कर लेंगे। फिर आपको डन पर कर देना है क्लिक, क्लिक हो जाने के बाद फिर एक डन कर लेंगे। डन हो जाने के बाद आपको जाना है टूल वाले ऑप्शन पे, एडजस्ट पे जाना है। जाने के बाद इसका कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, क्लैरिटी को बढ़ा लेंगे, सैचुरेशन को बढ़ा लेंगे, फिर हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे गाइस, फिर शेडो को थोड़ा सा कम कर लेंगे, शेडो को थोड़ा सा कम कर लेंगे गाइस, या बढ़ा लेते हैं। फिर आपको टिंट को 30 कराउंड रख लेना है, 30 कराउंड रख के आपको डन पर कर देना है क्लिक। क्लिक हो जाने के बाद देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। फिर इस फोटो को से ड्रॉ टूल पे जाके इस फोटो कर लेंगे गैलरी में सेव। तो गाइस, हमारा फोटो एडिटिंग कम्प्लीट हो चुका है। तो वीडियो पसंद आने पर कर दे लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।